बनाई है पापड़ से। पापड़ की ये चूरी है और ये है मसाला पापड़। स्वादिष्ट पापड़ हमने बनाकर तैयार कर लिया है, एंजॉय करेंगे इसे इस तरीके से। नींबू डालते ही तुरंत इसे खा लीजिए, नहीं तो ये सौगी हो जाएगा। अभी आपके पास सब्जी नहीं हो, चटपटा सा कुछ खाने का मन कर रहा हो तो इसे एंजॉय कर सकते हैं। पापड़ तो हमेशा घर में अवेलेबल हो ही जाते हैं, तो आप इसे बना सकते हैं। पापड़ की और भी रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, भारतीय कुजिन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ। अभी आज हम बना लेते हैं मसाला पापड़ और पापड़ चूरी। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं पापड़, 4 से 5 पीस जितने आपको लेने हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। इनको मैं सेक लेती हूँ। मैंने जला लिए गैस और इस पर सेक लेते हैं पापड़। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव पर भी सेक सकते हैं और आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से उलट पलट करके हम इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे। इस तरीके से उलट पलट कर हमने इस पापड़ को सेक लिया है। ऐसे ही और भी सेक लेती हूँ। ध्यान इतना रखें कि पापड़ जलने ना पाए। पापड़ को हम माइक्रोवेव में भी 30 सेकंड के लिए सेक लेते हैं। डाल देती हूँ माइक्रोवेव को और टाइम लगा देती हूँ 30 सेकंड्स का। चेक कर लेते हैं 30 सेकंड्स में। ये देखिए थोड़ा सा हमारा रह गया है, इसे और सेक लेते हैं। एक मिनट हो गया है, पापड़ चेक कर लेते हैं। वाव, देखिए बिल्कुल चारों तरफ से बढ़िया हमारा पापड़ ये सिक गया है। इसी तरीके से और भी सेक लेते हैं माइक्रोवेव में। 4 पापड़ हमने सेक कर तैयार कर लिए हैं। 3 की हम चूरी बनाएंगे और 1 का मसाला पापड़ बनाएंगे। अभी इनको रख लेते हैं साइड पर और पहले बना लेते हैं इसके लिए मसाला। तो मसाले के लिए हम डाल रहे हैं, सबसे पहले लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं और सादा नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा काला नमक भी हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा हींग डालेंगे और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला आप बना के रख सकते हैं और किसी और चीज़ में, सलाद में, इनमें भी काम में ले सकते हैं। पहले मैं चूर लेती हूँ इन पापड़ों को, एकदम इस तरीके से पापड़ की चूरी बना लेते हैं। इस तरीके से मैंने पापड़ को बारीक चूरा कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये मसाला। मसाला आप अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैं डाल रही हूँ करीब आधी चम्मच ये वाला मसाला और लगभग 1 चम्मच मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इसी तरीके से भी आप इसे खा सकते हैं रोटी के साथ या वैसे ही खा सकते हैं। चाय के साथ नमकीन खानी हो तो इस तरीके से भी आप खा सकते हैं। और बना लेते हैं मसाला पापड़ भी। इस मसाला पापड़ में हम सबसे पहले डाल लेते हैं ये मसाला और इस पे डाल देते हैं हम ये बारीक कटे हुए ककड़ी। बिना बीज वाले हमने टमाटर काट के रखे थे वो डाल देती हूँ मैं इसमें। और डाल देते हैं स्पाइसी करने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्ची भी और थोड़ा सा धनिया भी हम इसमें डाल देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा मसाला और डाल देती हूँ और चटपटा करने के लिए। मसाला आप अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा कमती कर सकते हैं। और डाल देते हैं एकदम बारीक वाली सेव, अगर आपके पास बारीक वाली नहीं हो तो आप थोड़ी मोटी वाली भी डाल सकते हैं, जो नमकीन हो आपके पास वो डाल सकते हैं। वाह, लुक सो डिलीशियस। बाजार में हम बहुत ज़्यादा पैसे देकर हम इसे खाते हैं, एंजॉय करते हैं, या फिर होटल में खाना खाते हैं तो खाने का वेट करते करते हम इसको भी एंजॉय करते हैं। ऊपर से डाल देती हूँ नींबू का रस। नींबू का रस जब ही डालेंगे जब हमें इसे सर्व करना होगा। पापड़ चूरी में भी आप ये सब वेजिटेबल्स और नींबू मसाला सब मिला सकते हैं। मैंने इसको इसी तरीके से बनाना था इसलिए इसी तरीके से रखा है। और आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं और जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। चूरी को बनाकर आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर 5-7 दिन तक आराम से रख सकते हैं और खा सकते हैं।
फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाकर देखिए मेरी इस रेसिपी को और बताएं अपने अनुभव आपको ये कैसे लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे जब जब भी मैं रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप देखना चाहें जरूर देखें, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।